हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। किस पार्टी के सर पर जीत का ताज सजे और सत्ता में वापसी हो, इसके लिए सभी पार्टियां भरपूर जोर भी लगाने में लगी हुई हैं। कहीं पर पार्टियां जनता के बीच में जाकर अपनी वाहवाही बटोर रही हैं, तो कहीं एक दूसरे पर शब्दों के बाण साधे जा रहे हैं। इसी ज्वारी जंग की कड़ी में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा में बन रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की गति की दिशा में बढ़ाया जाएगा। वहीं जब सीएम सैनी से पूछा गया कि कांग्रेस से राहुल गांधी अमेरिका में घायल हुए व्यक्ति से मिलने के लिए करनाल पहुंचे थे, तो उनका कहना था कि इसके बारे में उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन देश के लोगों ने राहुल गांधी को फ्री कर रखा है, क्योंकि ना नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व ठीक है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाया है। सबसे पहले उसे हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा और अब हरियाणा में लेकर आ गए। हरियाणा को कोई व्यक्ति उन्हें भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में नहीं आने को लेकर भी कहा कि कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है। कांग्रेस दलितों को दबाने का काम करती है। पहले अशोक तंवर की आवाज दबाई और अब कुमारी शैलजा की आवाज दबाने में लगे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है, मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद हावी है और परिवारवाद के कारण स्थिति खराब है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।